तो अगर आप थ्री बाय थ्री में सब थर्टी होना चाहते हो मतलब आप हर बार थ्री बाय थ्री क्यूब को तीस सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व करना चाहते हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आज ये वीडियो आपको एक क्लियर रास्ता दिखा देगी थ्री बाय थ्री क्यूब में सब थर्टी होने का तो हे गाइस वेलकम टू माय चैनल क्यूबिंग इंडिया तो इस वीडियो में आपको वो सब कुछ बताने वाला हूँ जो आपके लिए जरूरी है थ्री बाय थ्री क्यूब में सब थर्ट होने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस समय आप क्यूब को कितने टाइम में सॉल्व करते हो चाहे आप चालीस सेकंड में सॉल्व करते हो चाहे आप क्यूब को एक मिनट में भी सॉल्व नहीं कर पाते बस आप क्यूब को सॉल्व करते हो और आपको इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करना है यही कंडीशन है इस वीडियो को देखने की तो चलो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं तो इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं उसमें अलग अलग टाइप के हो सकते हैं जैसे कि कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो कभी कभी तीस सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व कर लेते हैं और कभी कभी तीस सेकंड से ज्यादा का टाइम लगता है या कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो एक मिनट से भी ज्यादा टाइम लेते हैं क्यूब को सॉल्व करने में और वो बिगिनर मैथड को यूज करते हैं तो इसलिए पहले मैं सीफ ऑफ मैथड के, के कुछ बेसिक्स बताऊंगा और अगर आपको सीफ ऑफ मैथड के बारे में पता है तो आप इस टाइम पर डायरेक्ट स्किप कर सकते हो और देख सकते हो कि इसके बाद आपको क्या करना है शुरू करते हैं हमारा पहला पार्ट सीफ ऑफ इंट्रोडक्शन अगर हम बिगिनर मैथड से क्यूब को सॉल्व करते हैं तो पहले हम अपने टॉप पे क्रॉस बनाते हैं और साथ में ये भी ध्यान रखते हैं कि ये कलर्स मैच हो उसके बाद हम अपनी लेयर के कॉर्नर्स को लगाते हैं फिर अपने क्यूब को रोटेट करके सेकेंड लेयर को बनाते हैं और उसके बाद थर्ड लेयर को सॉल्व करते हैं जिस भी तरीके से हमने सीखा है तो सीफॉप एक एवं मेथड है थ्री बाई थ्री क्यूब को सॉल्व करने का इसमें हम क्यूब को चार स्टेप्स में सॉल्व करते हैं और इन्हीं चार स्टेप्स के नाम पे इस मेथड का नाम सीफॉब पड़ा है तो जो पहला स्टेप है उसका नाम है क्रॉस इसमें हम बॉटम लेयर में क्रॉस बनाते हैं और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखते हैं कि ये सारे कलर्स मैच हो और उसके बाद आता है हमारा सेकंड स्टेप जो है एफ टूए इसमें हमारी फर्स्ट टू लेयर्स को एक साथ कंप्लीट करते हैं जो हमारे फर्स्ट लेयर के कॉर्नर्स हैं और जो हमारी सेकंड लेयर की एजेस होती है हम इन दोनों को साथ में पेयर करके इंसर्ट करते हैं और इस तरीके से हम दोनों लेयर्स को एक साथ कंप्लीट कर देते हैं उसके बाद था था हमारी बस लास्ट लेयर रह जाती है, जिसको हम दो स्टेप्स में सॉल्व करते हैं और बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है पी एल एल जिसे बोलते हैं परम्यूट लास्ट लेयर. इस चैप में हमें इन सभी कलर्स को सही तरीके से लगाना होता है कुछ एलगोरिदम लगाते हैं और इस तरीके से क्यूब हम पूरा सॉल्व कर देते हैं तो सबसे पहले तो आपको बिगनर शिफ्ट मेथड आना चाहिए इसकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी मैंने बना रखी है अब हम सीफ मेथड को यूज करते हैं लेकिन फिर भी थ्री बाई थ्री क्यूब को तीस सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व नहीं कर पाते हैं अब क्या करें अब इस वीडियो का मेन पार्ट स्टार्ट होता है तो देखो इन चारों स्टेप्स को मिला के हमें क्यूब को 30 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व करना है राइट तो अब हम क्या करेंगे एक एक स्टेप में अलग अलग टाइम बांट देंगे और उसके बाद हर स्टेप का वो टाइम अचीव करेंगे हमारा फर्स्ट स्टेप मतलब क्रॉस का टाइम होना चाहिए सब फोर सेकंड्स मतलब हर बार चार सेकंड के अंदर अंदर, अंदर क्रॉस हमारा सॉल्व होना चाहिए जो सेकंड स्टेप है मतलब एफ टू एल इसका हमारा टाइम होना चाहिए सब फिफ्टीन सेकंड्स और जो हमारा थर्ड स्टेप है ओ एल एल इसका टाइम होना चाहिए सिक्स सेकंड्स और पीएलएल का टाइम होना चाहिए फाइव सेकंड्स तो क्यूब को तीस सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व करने के लिए हमें इन सभी स्टेप्स को इतने टाइम के अंदर अंदर सॉल्व करना पड़ेगा अब आता है नेक्स्ट पार्ट इसमें आपको अपने आप को जानना है कि इन सभी स्टेप्स में आप अलग अलग कितना टाइम लगाते हो इसके लिए आपको अपने लैपटॉप या पीसी में क्रोम पे जाना है और सी एस टाइमर डॉट नेट अगर आपके पास लैपटॉप या पीसी नहीं है तो आप फोन में भी टाइप कर सकते हो फोन में भी सारे स्टेप सेम रहेंगे सी एस टाइमर खोलने के बाद आपको सेटिंग के आइकन पे क्लिक करना है उसके बाद टाइम के आइकन पे क्लिक करना है मेक श्योर sure कि एंटरिंग इन टाइम विद का जो ऑप्शन है वो टाइमर पे ही सिलेक्ट हो वैसे ये डिफॉल्ट टाइमर पे ही रहता है लेकिन फिर भी आपको एक बार चेक कर लेना है कि ये टाइमर पे ही रहे और उसके बाद जो आपको ऑप्शन की सेटिंग चेंज करनी है वो है मल्टीफेज का इसका जो ऑप्शन है ये आपको फोर सेट कर देना है और उसके बाद ओके okay प्रेस करना है अब आपको सेशन पे क्लिक करना है और एक न्यू सेशन बनाना है इस सेशन में आप जितने भी सॉल्व करोगे उन सभी का डाटा दिखेगा अब आपको स्क्रैम्बल लगाना है और सॉल्व करने स्टार्ट करने हैं टाइम स्टार्ट करने के लिए आपको स्पेस बटन प्रेस करना है और उसके बाद जैसे ही आप अपना क्रॉस कंप्लीट कर लोगे क्रॉस कंप्लीट करते ही एक बार आप स्पेस बटन दबाओगे और उसके बाद अपना सॉल्व जारी रखोगे तो इसी तरीके से आप जब अपना एफ टूवेल्व कंप्लीट कर लोगे फिर से एक बार स्पेस बटन दबाओगे इसी तरीके से फिर जब अपना ओ एल एल कंप्लीट कर लोगे फिर आप स्पेस बटन दबाओगे फिर उसके बाद पी एल एल हो जाएगा फिर आप स्पेस बटन दबाओगे और आपका टाइम पॉज हो जाएगा इस तरीके से आपको अपने सॉल्व का टाइम मिल जाएगा और चारों पार्ट्स का अलग अलग टाइम मिल जाएगा और ये सब टाइम आपका सेशन वाले एरिया में सेव हो जाएगा और इस तरीके से आपकी सॉल्व की टाइमिंग चार पार्ट्स में डिवाइड होकर सेव हो जाएगी फोन में भी आपको इसी तरीके से करना है बस जिस तरीके से लैपटॉप में हम स्पेस बार दबा रहे हैं इसी तरीके से फोन में आपको स्क्रीन पे टैप करना होगा अब आपको इसी तरीके से बीस तीस सॉल्व करने हैं और बीस तीस सॉल्व करने के बाद उन सबका डेटा वहां पे सेशन में सेव हो जाएगा और उन सब के ऊपर अलग अलग पार्ट का मीन आपको दिख जाएगा फिर अलग अलग पार्ट के एवरेज टाइम को आपको कंपेयर करना है उस टाइम से जो मैंने आपको बताया था कि इतना होना चाहिए अगर किसी स्टेप का आपका एवरेज टाइम मेरे दीवे टाइम से कम आ रहा है तो इसका मतलब उस स्टेप में आपको कुछ इंप्रूव करने की जरूरत नहीं है सब थर्टी होने के लिए

जैसे इस वीडियो ने आपको रास्ता तो दिखा दिया है लेकिन ये नहीं बताया कि उस पर चलना कैसे है तो जिससे पहले कि आप सर्च करो या अपने हिसाब से चलना शुरू हो जाओ मैं आपको बता देता हूँ इन सभी स्टेप्स की अलग अलग एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स की आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे जो बहुत ही हेल्प करती हैं प्रूव करने में लेकिन अभी मैं आपको इन चार स्टेप्स की वो चीजें बताऊंगा जो मैंडेटरी हैं सब थर्टी होने के लिए तो सबसे पहले बात करें क्रॉस की तो सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए क्रॉस के लिए वो ये है कि क्रॉस को आपको हमेशा बॉटम में सॉल्व करना है इसे जब हम क्रॉस के बाद एफ्टवेल की तरफ बढ़ते हैं तो हमें क्यूब को रोटेट नहीं करना पड़ता मतलब अगर हम क्रॉस को अपने टॉप लेयर में सॉल्व करें उसके बाद जब हम एफ टूवेल की तरफ बढ़ेंगे तो हमें क्यूब को पूरा रोटेट करना पड़ेगा और फिर हम एफ टूवल अपना स्टार्ट कर पाएंगे तो इसलिए यही सही होता है कि हम क्रॉस को अपने बॉटम में ही सोल्व करें हो सकता है कि अभी आपको ये रोटेशन बचाने का फायदा पता ना लगे लेकिन जैसे जैसे आपका टाइम कम होता जाएगा आपको समझ आने लगेगा कि ये फालतू की रोटेशन हमारा टाइम खराब करने में कितना बड़ा रोल प्ले करती हैं और क्रॉस के लिए जो आपको दूसरा पॉइंट पता होना चाहिए वो ये है कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो हम क्रॉस को हमेशा आठ मूव्स या उससे कम में सॉल्व कर सकते हैं और किस तरीके से हो सकता है आठ मूं के अंदर अंदर सॉल्व इसके टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोज़ यूट्यूब पे बहुत हैं और थर्ड पॉइंट ये है कि आपको अपनी हैबिट बनानी है इंस्पेक्शन में ही पूरा क्रॉस प्लान करने का अगर हम कॉम्पिटिशन में जाए तो कॉम्पिटिशन में हमें इंस्पेक्शन टाइम मिलता है पंद्रह सेकंड का जो शुरुआत करने के लिए बहुत ही कम है तो अभी प्रैक्टिस के लिए आप इंस्पेक्शन टाइम तीस से चालीस सेकेंड या एक मिनट का भी ले सकते हो बस आपको अपनी ये हैबिट बनानी है कि आप इंस्पेक्शन में ही क्रॉस को प्लान कर लो और उसके बाद जैसे ही आप सॉल्व स्टार्ट करो आप बिना देखे क्रॉस सॉल्व कर लो तो ये कुछ फंडामेंटल्स मैंने आपको बता दिया जो क्रॉस के लिए आपको पता होने चाहिए अब हम नेक्स्ट चेपर बढ़ते हैं जो है एफ सबसे पहले तो अगर आपको एफ नहीं आता तो आपको बिगनर एफ सीखना है और ये चीज भी ध्यान रखना कि ट्वेल्व सीखने के बाद आपका टाइम कम होने की जगह बढ़ जाएगा मतलब अगर आप समझ लो इस समय क्यूब को एक मिनट में सॉल्व करते हो तो एफ ट्वेल्व सीखने के बाद आपको क्यूब को सॉल्व करने में एड से दो मिनट लगने लगेगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये चीज़ सबके साथ होती है शुरुआत में एफ ट्वेल्व सीखने के बाद ज्यादा टाइम ही लगता है लेकिन उसके बाद टाइम धीरे धीरे कम होता जाता है फिर बिगिनर एफ ट्वेल्ल आने के बाद एडवांस एफ ट्वेल्व सीखना आपको शुरू करना है जिसमें हम रोटेशन कम से कम करते हैं और अलग अलग केसेस के अलग अलग टिप्स एंड ट्रिक्स देखते हैं जो आपको मेरे चैनल पर भी लगातार मिलती रहेंगी इसी बात पे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो दो लेयर सॉल्व होने के बाद हमारे पास लास्ट लेयर बचती है जिसको हम दो पार्ट्स में सॉल्व करते हैं पहले करते हैं ओ जिसमें हम सभी पीसेस के टॉप पे येलो लाते हैं और उसके बाद पी होता है जिसमें हम इन सभी कलर्स को सही तरीके से लगाते हैं तो अगर बिल्कुल ही एडवांस ओ की बात करें तो इसमें हम बस एक एलगो लगाते हैं और वो एलग्रेजम लगा के सभी के टॉप पे येलो आ जाता है लेकिन इसके लिए हमें फिफ्टी सेवन याद करने पड़ते हैं और उन फिफ्टी में से कोई तब जाके एक एलग्रेजम लगाते हैं अपने सॉल्व में और इसी तरीके से पी के साथ भी है एडवांस पी में हम बस एक एलग्रेजम

छे में से कोई दो टूलुक तो इस तरीके से हमें टोटल सिर्फ सिक्सटीन अलग्रदम याद करने पड़ते हैं और उन सिक्स में से कोई चार एलग्रदम यूज करते हैं अपनी लास्ट लेयर में और ये बहुत है सब थर्टी होने के लिए तो टूलुक ऑयल और टूल पी एल एल सीखना है आपको तो इसकी वीडियो भी आपको यहाँ मिल जाएगी आप सीख सकते हो तो यही कुछ जरूरी पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए थे इन चारों स्टेप को लेके इन चारों स्टेप का जो हमारा गिवन टाइम है उस तक पहुंचने के लिए इसके बाद और भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जो मैं सारे पॉइंट इस वीडियो में तो नहीं कवर कर सकता लेकिन फिर भी मैं आपको और कुछ पॉइंट बता सकता हूं जैसे कि आपको एक पॉइंट का ध्यान रखना है जो इन सभी स्टेप्स में काम आएगा वो है फिंगर ट्रिक्स का स्पेशली आपको ओएल और पी में ध्यान रखना है कि जब आप एलग्रिदम सीखोगे तो आप उनको अच्छे फिंगर ट्रिक्स के साथ सीखना क्योंकि अगर आप अच्छे फिंगर ट्रिक्स के साथ नहीं सीखोगे तो आप उनको फास्ट एक्जीक्यूट नहीं कर पाओगे क्योंकि हमें एलग्रिदम सीख तो है और उन्हें जल्दी से जल्दी भी एक्जीक्यूट करना हमें आना चाहिए और वो तभी होगा जब हम अच्छी से अच्छी फिंगर ट्रिक्स का यूज करेंगे और कुछ लोग सोच रहे हैं कि मैंने ये सब चीजें बता दिया तो लुका हेड का क्या हुआ इन सबके बीच तो मैं आपको बता दूं कि सब थर्टी होने के लिए लुकाहेड की कोई जरूरत नहीं है और हो सकता है कि आपको लुकाहड के बारे में पता भी ना हो तो लोकहड बस एक एडवांस टेक्निक है जिसका यूज हमें अभी भी करने की जरूरत है इनफेक्ट आप सब ट्वेंटी भी हो सकते हो बिना लोकहेड के तो इसलिए अभी तो आपको सब थर्टी होना है इसलिए लुका हेड पर आपको बिल्कुल भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है आपको नहीं भी पता लुकहड क्या होता है कोई टेंशन वाली बात नहीं है उसके बाद अभी पूरी वीडियो मैंने आपको जितनी चीजें बताई है उन सबका जो लास्ट पॉइंट बना वो है प्रैक्टिस ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है जैसे मैं किसी एक स्टेप का एग्जांपल लेके बताता हूँ ओएलएल का एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको दिख रहा है।, है कि हमें ओएलएल को छे सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व करना है अब आप ये सोचो कि ओएलएल में मुझे दो एलग्रदम यूज करना है वो दो एलग्रदम मैं छः सेकंड में कैसे कर पाऊंगा तो इसका सिंपल सा आंसर है कि आपको प्रैक्टिस करना है अब आप खुद ही देखो ना आपने कोई एलग्रदम सीखा और उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आप उसको जल्दी से जल्दी एक्जीक्यूट कर पाओगे अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आप एक एलग्रिदम को दो सेकंड के अंदर अंदर भी एक्जीक्यूट कर सकते हो तो इस तरीके से आपको दो एलग्रदम एक्जीक्यूट करना है तो आप चार सेकंड के अंदर अंदर कर सकते हो तो आप सोचोगे कि चलो ये चीज तो बहुत आसान है थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है और सेकंड के अंदर अंदर हो जाएगा हम चार सेकंड के अंदर भी कर सकते हैं तो ऐसा नहीं है क्योंकि ये जो टाइम है ये आपको सिर्फ एग्जीक्यूशन का है इसके अलावा जैसे कि आपने किया उसके बाद आपको थोड़ा सा टाइम रुकना पड़ता है और आपको देखना पड़ता है कि कौन सा केस आया कि आपको कौन सा एल्गोरिथम यूज करना है तो इसमें भी आपको टाइम लगता है तो इसे हम बोलते हैं रिकॉग्नाइज करने का टाइम तो ये जो रिकॉग्नाइज करने में टाइम लगता है ये भी कम से कम लगना चाहिए और ये तभी होगा जो हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हमें केस को रिकॉग्नाइज करने में कम टाइम लगा करेगा तो इसलिए जितनी प्रैक्टिस करो उतना अच्छा है ऐसा सेम एफ ट्वेल्व में है क्रॉस में है हमें सबकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी हम ये सब टाइम अचीव कर सकते हैं और बहुत ईजिली हम सब थर्टी हो सकते हैं तो अब इस वीडियो में हमने कुछ ज़्यादा ज्ञान पेल दिया तो एक बार पूरे को समराइज़ कर लेते हैं जिससे आपको पूरा समझ आ जाए एक बार सबसे पहले आपको सीफ ऑफ मेथड आना चाहिए और उसके बाद आपको 30 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व करने के लिए क्रॉस को 4 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व करना है एफ ट्वेल्व को 15 सेकंड ओ एल एल को छः सेकंड पी एल एल को पाँच सेकंड और फिर आपको ये देखना है कि इन सभी अलग अलग पार्ट्स को आप कितने टाइम में सॉल्व कर पाते हो जो आपको सी एस टाइमर पर जाना है और किस तरीके से वो सब सी एस टाइमर में सेटिंग करनी है और उसके बाद अपना टाइम रिकॉर्ड करना है यह सब मैं आपको समझा चुका हूँ फिर आपको देखना है कि आपको कौन से पार्ट्स में इंप्रूव करना है जिस पार्ट का टाइम आपका जो मैंने आपको टाइम बताया उससे कम आ रहा है उस पार्ट में आपको इंप्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है सब थर्टी होने के लिए जिस पार्ट का टाइम आपका ज़्यादा आ रहा है उस पार्ट में आपको इंप्रूव करना है उन पार्ट्स में किस तरीके से इंप्रूव करना है मैंने कुछ कंपल्सरी जो चीज़ें वो आपको बता दी हैं और बाकी आप और दूसरी वीडियो से सीखोगे तो आपको आ जाएगा बाकी आपको अपनी प्रैक्टिस भी काम आएगी तो दोस्तों बहुत हो आज की वीडियो के लिए कंग्रेचुलेसन आपने वीडियो को एकदम लास्ट तक देखा है और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करना चाहिए और अब आपको बस एक ही चीज़ करनी होगी प्रैक्टिस ये देख रहे हो इसका मतलब आपके क्यूब को आपकी ज़रूरत है चलो जाओ और जाके क्यूब चलाओ बाय